सभी संतों ने, ऋषि मुनियों ने, साधकों ने अपने जीवन में जो एहसास किया और उस एहसास के दरमियान उन्होंने पाया कि पत्ते पत्ते और जर्रे जर्रे में उस एक ही सदगुरु का, ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु का नूर समाया हुआ है और उसका बोध और उसका भेद उसकी मेहर से जिन्होंने अपने अंतर की यात्रा किया हुआ। और इसी बात को सदगुरु कबीर, रविदास, दादू, पलटू, गरीब साहब, भुले शाह सभी ने कहा। जीवादास जी महाराज भी एक भजन में कहते हैं कि उसकी कला का पार जिन्होंने पाया, उसने कहा कि वो परमात्मा, वो ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु सदगुरु एक है और उसकी रोशनी, उसकी रहनुमाई पत्ते पत्ते और जर्रे जर्रे में एक समान है। इसीलिए तो इस पद में इस तरह से कहा है, जी साहिब तमारी साहेबी, साहिब तमारी साहेबी, साहिब तमारी साहेबी, रे रे और सब घट रही समान। अरे जो मेहंदी के पात में रे रे और लाली लखी नहीं जा, तो लाली मेरे लाल की और जित देखूं तलाल। अरे लाली देखन में गई तुम्हें भी हो गई लाल। और जब सब लाल हो जाएंगे तो माला माल हो जाएंगे और वो लाल सबके गांठ में मौजूद है, पर दुर्भाग्य कहिएगा कोई भेदियों के द्वारा उस गांठ को खोल दिया तो वो माला माल हो गया, अन्यथा कंगाल का कंगाल ही बना रखा। इसीलिए उसकी कला का पार पाने के लिए गांठ को खोलना पड़ेगा। इसीलिए कहा है नहीं पाते, क्योंकि वो तो निराकार है, अरूप है। इसलिए कहा है, हाँ निराकार भी होकर स्वामी सबका पालन करता है, निराकार निर्बंधन स्वामी जन्म मरण नहीं करता है। तरीका
ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने, महापुरुषों ने जब इसका महरम, इसका भेद को पाया तो वो कहते हैं कि सभी के अंदर वो एक है और इसके साक्ष और इसका एहसास वे शास्त्रों के मार्फत संभव है। परंतु दुर्भाग्य कहेगा कि हम उसको जमीनी स्तर पर किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं, किस तरह से उसका रख रखाव रखते हैं। इसीलिए तो आखिरी में कहा है आ पते पते पर रोशन तेरी बिजली सी चमक दिखाता है, चकित गया मन बुद्धि तेरी जीवा दास गुण गाता है।